हेलो फ्रेंड्स, स्केल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे एक साथी बैठे हुए हैं, स्केल हिंदुस्तान के स्टूडेंट हैं ये। इन्होंने इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स लिया था 2.0 का, जो टेक्निकल सुपरवाइज़र कोर्स अभी हुआ है उसमें इन्होंने इनरोल किया था, ठीक है। और अभी इनका फाइनली जॉब हो चुका है, कोर्स भी कम्प्लीट है। कोर्स कम्प्लीट होने के बाद इनका जॉब भी हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। इनका कहाँ जॉब हुआ है, इंटरव्यू में इनसे इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। तो दोस्त, पहले तो अपने बारे में आप बताओ। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 महीने से इनका वीडियो देख रहा था, स्किल हिंदुस्तान का वीडियो देख रहा था। मैं सोच रहा था कि वीडियो देख रहा हूँ तो वहाँ का एक बार जाके ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है, सच में ऐसा रियली है कि नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये रियलिटी भी है और ऐसा करते भी हैं ये। तो यहाँ पे अभी आपका जॉब कहाँ पे लगा हुआ है? मेरा अभी सर एम्बियंस मॉल में लगा है, हम और ये दिवाकर साथ में लगे हैं वहाँ पे, और मंडे संडे को शायद ज्वाइनिंग हम लोगों का। ये दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त का यहाँ पे एम्बियंस मॉल गुड़गांव में इनकी जॉब लगी है। और ये दोनों दोस्त हैं, एक साथ रहते थे, हॉस्टल में भी एक साथ रहते थे, सब जगह एक साथ रहते थे ये लोग। और इन दोनों का जॉब भी एक साथ ही लग गया है, बहुत अच्छी की बात है कि इनको अब वहीं पर अब ये सेटल हो जाएंगे रूम वगैरह लेके अपना। तो आप इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किया? सर मेरे से सबसे पहले पूछा स्विच गियर क्या होता है, इससे पूछा। उसके बाद बोले 33 KVA जब होता है ना, SLD डायग्राम बनवाओ। और उसके बाद पूछा ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर का PPM पूछा। मेरे से कुछ ना ज़्यादा नहीं पूछा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा। मैं लास्ट में गया था इसीलिए 5:30 बजे के आसपास गया था। चलिए, इनसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी इनसे क्वेश्चंस करा है ट्रांसफार्मर के बारे में, PPM के बारे में, SLD वगैरह बनवाया है। तो ये हमारी नॉर्मल बेसिक होती है, जो अगर बेसिक चीज़ें से पता ही चल जाती है। अगर लड़का बता रहा है, किसी से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर उसको बताने का जो तरीका है, कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर उसका हाई है, अच्छा है, तो उससे ही इंटरव्यूअर ये पता कर लगते हैं कि बंदा कितना टैलेंट है इसके अंदर, ये क्या से क्या कर सकता है। और ये स्किल हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लिया है इन्होंने, तो आई होप मतलब इन्होंने जो लिया है तो डेफिनेटली इनको सारे टेक्निकल चीज़ें इनको क्लियर ही थी, और वहाँ पे जाके इन्होंने बताना था। तो यहाँ के बारे में, अपना सेंटर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता दें। सर यहाँ पे सारे हेल्पफुल हैं, सारे मतलब सारे को हेल्प भी करते हैं, चाहे जो भी पढ़ने से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जो उनको रिलेटेड चाहिए उनको हेल्प भी मिलता है। यहाँ के सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सही है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। आप भी यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपना फ्यूचर को भी आगे देख सकते हैं। तो यही ओवरऑल यही जानना था हमें कि इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उससे इन्हें क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें, एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो और हमारे सेंटर पर इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो ये सारी चीज़ें ही जाननी होती है। क्योंकि जो लड़के हमारे आने वाले होते हैं ना, वो वीडियो देखते हैं कि हाँ सर उस लड़के का लगा है, तो वो लड़का यहाँ समस्तीपुर से था तो उसका जॉब लगा है, उससे बात कराओ। तो हम आपसे भी बात कराएंगे, जो आपके यहाँ का लड़के आएंगे पहले आपसे बात करेंगे कि हाँ भाई कैसा था, क्या था। तो आप ही लोगों के फीडबैक के द्वारा हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं वो आप ही लोगों को बदौलत आते हैं। तो चलिए दोस्तों जी, और मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो भी, अभी तो ये समस्तीपुर वगैरह के लिए बता दिए, बिहार के लिए, लेकिन मैं पूरे ओवरऑल अपने स्किल हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदा IT डिप्लोमा BTech किया है, वो अगर टेक्निकल स्किल्स उसके पास नहीं है, या फिर वो घर पे बैठा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 5 साल 7 साल कर ली, उसके पास जॉब नहीं है, तो दोस्त ऐसे ऐसे जो लड़के हैं वो हमारे सेंटर को ज्वाइन करें और अपना टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें, और जॉब पाने की मतलब जो जॉब लेने की अपनी कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।